काश बच गया तो सारी जिंदगी बेटी के सामने शर्मिंदा रहूंगा। तुम अपने भाई को ना मारना, मैं बात करूंगी उससे, मना लूंगी उसको। जिरगा बुलाओ जालिमो, आज ही से मेरे बाप का हिसाब। क्या खबरें हैं हाजी? मुबारक हो मुबारक हो, हमारा खान सिर्फ जख्मी हुआ है, अल्लाह ने शहीद होने से बचा लिया। सलाम हाजी। वालेकुम सलाम। बीबी कहाँ है? जी वो ऊपर छत में धूप में बैठी है, कह रही थी सर्दी लग रही है। हिलमन कैसा है? ठीक है। तुम कहाँ गायब थे? उजरे में थे क्या? मेरी हिकमत से बात हुई, उसने वादा किया है कि वो हिकमत को कुछ नहीं कहेगा और तुमसे भी माफी मांगेगा। बहुत रो रहा था वो, तो मैंने तसल्ली दी तो चुप हो गया। अब मैं खुद हिलमन से बात करूंगी और ये सारा झगड़ा खत्म करूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? लग तो नहीं रही। हाँ तो ठीक है, पहले खराब थी पर थोड़ा थोड़ा असर है अभी भी। किस चीज? अफीम काट रही हूँ मैं आजकल, सुकून से मरी रहती हूँ, बेजान होके पड़ी रहती हूँ। ना हिलमत का खौफ होता है ना हिकमत का। ये क्या कर रही हो तुम? कर नहीं रही, कर रही थी, अब नहीं करूंगी। हिकमत ने रो रो के वादा किया है कि हिलमत को कुछ नहीं कहेगा। उसने तो ये भी कहा है कि मैं जाके हिलमत से बात करूं और मैं करूंगी। क्या बात करूं? यही कि वो मेरे सफेद बालों की थोड़ी इज्जत रख ले और अपनी जिद छोड़े। तुम्हारा तो एक भी बाल सफेद नहीं। देख लो ये, देखो जड़ों तक सफेद है, लेकिन अगर तुम कहो तो तुम्हारी तरह मैं भी रंगने लगूं, मैं भी कालक मल लूं अपने सर पे, ताकि तुम ये ना कहो कि जरी तुम बुढ़ी हो गई हो, बदसूरत लगने लगी हो। अच्छा अमन खान से कहो मुझे हिलमत के पास ले जाओ, मुझे उसको जाके घर लेके आना है। वो गांव में नहीं है। तो फिर कहाँ पे? पता नहीं, आएगा तो बता दूंगा। अभी जाओ जाओ जाके अपने बालों को रंगो। क्यों? अरे बूढ़ी हो रही हो, उम्र बढ़ रही है तुम्हारी। मैं तो अभी तक जवान हूँ, इससे पहले कि किसी और से शादी कर लूँ। जाओ जाके बाल रंगो, अपना सुहाग बचाओ। जाओ। सुहाग भी बचाऊंगी और औलाद भी, देख लेना। आ रहा है, आ रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। मर जाना, बीवी अफीम खा रही है, बेटा भाई को खा रहा है, तेरे पैरों को आग खा रही है बदबख्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी हाथों में खेला है और मुझे धमकी दे रहा है। फिर कुछ कहने लगा तो मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारे साथ वो करूंगी जो बचपन में करती थी। क्यों, बचपन में क्या करती थी उसके साथ? डराती थी और क्या करती थी। और चल मेरे बाल रंग दे, हिलमत को भी मिलने जाना है मुझे। अस्पताल हाजी के साथ जा रही हो? अस्पताल?
अस्पताल क्यों? अब चुप हो गई है, जवाब देना। मेरे पास है तुम्हारे सारे जवाब। हम दोनों के बाल मजबूत हैं अभी तक, इतने नहीं गिरे जितने हमारी साथ की औरतों के गिर गए हैं। अम्मा हर दूसरे तीसरे महीने मुझसे अपने सर में मेहंदी लगवाती थी। हिलमंत कहाँ है? कहती थी जरगुना के हाथ में जाते हुए, वो जो मेहंदी लगाती है उसका रंग बहुत पक्का होता है। हिलमंत कहाँ है? मिलना मत, इली तो खिजाब जड़ों में लग जाएगा। खिजाब में तेजाब होता है, जड़ों को कमजोर कर देता है। नहीं ये लोगी ना? खुदा की कसम नहीं ये लूंगी। बताओ हिलमंत कहाँ है? वादा? पक्का वादा? कल रात हिकमत ने उसे खत्म करने की कोशिश की, खुदा ने उसे बचा लिया है। राजी और वो अखबार वाली लड़की, वो उसको शेर लेकर गए हैं। सुना है वो ठीक है? मैं आज ही से उसका हाल पूछने आई थी। ये तुमने क्या कर दिया सरोना? डाल दिया ना तेजाब मेरी जड़ों में। डाल जितना तेजाब, जितना तेल डालना है इस आग में डाल। खुदा की कसम है जो मैं जरा से भी ये ली तो नहीं ये लूंगी मैं। अरे ओ अल्लाह फिरा की यतीम हलमन, तेरी आंतें कट चुकी बस अब तुझे इस बिस्तर पर बेबसी की लंबी रातें काटनी है। दिल छोटा ना कर, ये जख्म भर जाएगा। अच्छे दिनों के अच्छे मौसमों में तू अपने घर जाएगा। तेरा नाम जिंदा रहेगा, दुश्मन मर जाएगा। अंधेरा उसकी रगों में भर जाएगा। अरे ओ लस्पिरा के यतीम हलमंद, दुश्मनों के दरमियान सोने का मजा ले। सुबह होते ही अपना बदला ले। गांव वाले ठीक कहते, तो बिल्कुल पागल हो चुका है। ये क्या टकटक लगा के रखा हुआ है? इस टाइम पे लोग अल्लाह को याद करते हैं और तुम सौंदर्य पढ़ रहे हो।
ये संदरे नहीं, रिजिज है बेवकूफ इंसान। जंग के मैदान में जब दुश्मन सामने हो तब पड़े जाते हैं। तुम जंग के मैदान में नहीं हो, अस्पताल के बिस्तर पर हो। लेकिन दुश्मन तो सामने है ना। अच्छा हुआ है मैडम बहन तुम आ गई हो, सुबह से भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ और ये हमें संदरे पड़ रहा है। कहाँ थी तुम? मैं घर गई थी थोड़ी देर के लिए कपड़े चेंज करने। ठीक है, बस अब इसका ख्याल रखो, हम आते हैं। क्यों मेरा ख्याल रख रही हो? ऊपर से शहरजाद हो, अंदर से क्या हो? अपना आप जाहिर करो, मुझे क्यों बचा रही हो? पता नहीं। वो इंसान ही क्या जिसे अपने अमाल का पता ना हो? हर इंसान जानता है कि वो ये काम क्यों कर रहा है, किसकी मोहब्बत में, दुश्मनी में, लालच में, नफरत में कर रहा है। हर काम के पीछे कोई ना कोई बात होती है और वही असल बात होती है। तुम बेहोशी में बहुत सी बातें कर रहे थे, क्या वो सब सच है? मुझे क्या मालूम कि मैं बेहोशी में क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? यही कि हाजी मरजान मेरे बाप का कातिल, यही कहा था ना? वो कातिल ये बात जानता है कि हेलमंद सच जानता है, इसीलिए वो मुझे भी मारना चाहता है। लेकिन अब की बार उसकी बारी है, आखिरी जंग की तैयारी। लस पीरा के हेलमंद, अब की बार जीत तुम्हारी है। इधर आओ। जी दादी, कहाँ थे तुम? मैं वो पुजरे में था। वहां तो मैं था, तुम तो नहीं थे वहां। कहाँ गए थे? पीर दिलदार शाह के मजार पे हाजिरी लगाने गया था। क्यों? ऐसी क्या पशेमानी थी जिसकी माफी मांगने गए थे? माफी नहीं दादी, वो मैं लाला के लिए दुआ करने गया था। पहले उसका पेट फाड़ा, अब तुम्हें दुआएं याद आ रही हैं। हाजी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एतबार करें। कैसे करूं एतबार? जो शख्स आते ही मुझसे झूठ बोल रहा हो, गया कहीं और वो आ कहीं और से रहा, उस पर कैसे एतबार करें? जो शख्स बंदूकों की ताकत मिलने पर माँ बाप का हाथ पकड़ ले, उसका कैसे यकीन करूं मैं?
मुझसे गलती हो गई दाजी, उससे माफी मांगता हूँ। उस वक्त पता नहीं मैं किस ख्याल में था जो आपका हाथ पकड़ बैठा। तुम ताकत के नशे और ख्याल में थे। तुम समझे कि जिसके पास बंदूक होती है उसी की ताकत होती है। तुम उस वक्त इंसान नहीं बंदर थे। वो बंदर जिसके हाथ में उस तरह लग गया हो, और तुमने वो उस तरह ना सिर्फ बाप के बल्कि अपने भी गर्दन पे चला डाला और भाई पे भी चला डाला। मैंने लाला पर हमला नहीं कराया। तो फिर मैंने कराया या फिर खुद उसने अपना पेट फाड़ डाला? तुमने नहीं कराया तो फिर किसने कराया है? जी मैं खुदा की कसम खाता हूँ मैंने नहीं कराया। इसी बदबख्त ने किया है सब। मैं जब इसको कह रही थी कि मैं इल्मन से बात करूंगी, उसी वक्त इसने उसको मार दिया था, इसलिए मेरी गोद में चुप के रो रहा था। और मैं समझ रही थी भाई की मोहब्बत में रो रहा है। ये बदबख्त तो उसकी लाश पे रो रहा था। लानत है तुझ पे एक मत, लानत है दोनों हाथ की लानत, लानत बेशुमार लानत। शुक्र करो खुदा ने उस पागल को बचा लिया, वो भी मर जाता तुम्हारी माँ भी मर जाती और बाकी मैं भी ना रहता। खैर बाकी तो मैं अब देने लगूंगा। तुमने जो गंदगी फैलाई है वो किसी को भी बाकी नहीं रहने देगी। Hello, cousin. कैसी हो? It's been a long time. 12-13 साल तो हो गए होंगे। वैसे जब मैं ऑपरेशन करके निकला ना, मैं देख लिया था, लेकिन इतने लोगों में बात करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे क्या कर रही हो आजकल? और ये पठानों में कहाँ फंस गई हो? ये कौन है? उससे मैं तुम और भी अच्छी लगती हो। वैसे की वैसी हो बिल्कुल, बदली नहीं। And trust me, मैं भी बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा हूं। नजर आ रहा है तुम वैसे के वैसे वैशी, तुम्हारी आंखों से वहशत टपक रही। वहशत नहीं है शहरज़ाद, मोहब्बत है, पुराना ताल्लुक है हमारा। कितने मजे के दिन थे ना, है ना? एनीवे छोड़ो इस बात को, ये मेरा अपना हॉस्पिटल है। वैसे तो मैं दिन में एक बार ही राउंड पे आता हूँ, अगर इमरजेंसी हो जाए ना फिर भी आ जाता हूँ। देखो आ गया ना, इमरजेंसी तुमसे मिलने आ गया।
पुरानी यादें ताजा करी। हैदर पास ना आना, मैं खाना को बता दूंगी। हैदर, हैदर। कहाँ खो गई तुम? पुरानी यादों में। उस वक्त कमजोर थी, ना ज़बान चला सकती थी और ना ही हाथ, लेकिन अब बात ज़बान से नहीं हाथ से होगी। तुम अब भी उतनी ही कमजोर हो और मैं वैसा ही ताकतवर। काश तू मुझ पे हाथ उठाने से पहले ये सोच लेती कि इसकी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है। पुलिस केस बनवा दूंगा। बहुत बुरा किया तुमने शहरज़ाद, बहुत बुरा किया। कदर घटिया इंसान है, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हिलमंद वहां पे, इस वक्त तुम्हारा मेन कंसर्न सिर्फ हिलमंद है, तुम उसी पे फोकस करो। सुबह इफ्तिखार आ रहा है, मैं उससे बात करती हूँ। उसी के रेफरेंस से अरेंजमेंट हुआ था इस हॉस्पिटल का, उसे भी तुम्हें बताऊँ ना किसका तक घटिया निकला उसका रेफरेंस। तुम परेशान मत हो शहरज़ाद, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। आई प्रॉमिस यू मैं देख लूँगी। तुम अभी सो जाओ, यू नीड टू स्लीप। नींद नहीं आ रही, जब से उसे देखा है आंखें बंद करती हूँ तो उसी की शक्ल सामने आती है। आई नो शहरज़ाद मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो उसके बारे में ना सोचो। वही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिमाग इतना उलझा हुआ है कि ना चाहते हुए भी सोच रही हूँ। मेरे ख्याल में शहजाद जब तक हिलमंद वहाँ है तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहिए। वो है ना उसका बंदा वहाँ पे, क्या नाम है उसका? अव्वल खान। हाँ, अव्वल खान उसकी देखभाल कर लेगा और मैं भी रोज़ शाम को चक्कर लगा लिया करूँगी। तो मैं उससे डर के बैठ जाऊँ? मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे डर के घर पे बैठ जाओ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे अवॉइड करो। तुम यूँ समझो कि कीचड़ में लिथड़ा हुआ एक कुत्ता है और तुम उसके पास से गुजरोगी तो वो आदत से मजबूर तुम पे अपना कीचड़ छिड़केगा। तो बेहतर नहीं है कि कुछ देर के लिए रास्ता बदल लो? वो कुत्ता ना सिर्फ मुझ पर अपना कीचड़ छिड़क चुका है बल्कि अपने नुकीले दांतों से मुझे काट भी चुका है। अब मेरी बारी है। तो तुम भी उसे काटोगे, उस जैसी बन जाओगे? नहीं, काटूंगी नहीं, उसे चीर के रख दूंगी। मेरी मानो इसको बोतल में भरते, ढक्कन लगाते और पहुंच जाते हैं अस्पताल। ये शहजादी अंदर के सारे जख्म भर देगी। हमारा यार हिलमंद हम लोगों का बगैर अकेला होएगा। किसी से उधार पकड़ते उठाते हैं अस्पताल। बोलो क्या सलाह है? अव्वल तो किसी ने उधार देना नहीं और किसी ने दे भी दिया ना और हम वहाँ चले भी गए। आजी को पता चला ना, उसने हमारे साथ वही करना है जो अफगानी रूस के साथ कर रहा है। भगा भगा के मारेगा बदबख्त।
अव्वल खान वहीं होगा, पहले तो वो हमारी खबरें पढ़ेगा और फिर हाजी की बारी आएगी। हाँ भाई नहीं जाते, खतरा है। सुना नहीं था मैडम अव्वल खान से क्या कह रही थी? पुलिस को पता चल गया ना तो हिलमत खतरे में आ जाएगा। पुलिस केस बन गया तो हाजी और हिकमत का जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। हमारी वजह से कोई बात ऊपर नीचे हो गई तो ना हाजी छोड़ेगा ना हिकमत। जो आदमी अपना भाई को अस्पताल का मुंह दिखा सकता है, हम लोगों को तो सीधा कब्र का दिखाए। मैं तो कहता हूँ इधर ही बैठ के दुआ करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह हमारे यार, तुम सब निकम्मे यहाँ बैठ के दुआ कर, वहां जाके मैं खून दे के आता हूँ अपने यार को। उसको तुम्हारा खून का नहीं सुकून का जरूरत है। कल जब हमारा चीखों से सारा गांव बाहर निकला है तब तो तुम निकला नहीं, अब आ गया खैर खा बनकर खान के सामने नंबर बनाने। जब मैं आया था तो आज ही और तुम सब मेरे यार को लेकर जा चुके थे, तो मैं कैसे आता? फिलमन मेरे बचपन का दोस्त है, बचपन का। मैं नहीं डरता आजी बाजी से, मैं तो जाऊंगा उसको देखने। किस अस्पताल में है वो? सिटी अस्पताल, कमरा नंबर 714। हमने एक अच्छाई की और अब वही अच्छाई हमारे गले पड़ रही है। हैदर ने इतना बड़ा फेवर किया और शहजाद ओब्लाइज होने की बजाय उसी को थप्पड़ मार रही है। ऐसे केसेस में पुलिस जब तक ना आ जाए डॉक्टर मरीज को हाथ तक नहीं लगाते। उस बेचारे ने ऑपरेशन भी किया, बंदे की जान भी बचा ली, ऊपर से थप्पड़ भी उसी को पड़ रहे हैं। शहजाद को असॉल्ट किया जाता रहा है। हमने तो नहीं किया ना, वो जाने और उसके अपने जाने। हमें इस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने इश्यूज कम हैं जो एक नए फसाद में पड़ जाएं। तुम एक बार हैदर से बात तो करके देखो। क्या बात करूं? अपनी एक पुरानी एम्प्लॉय के कहने पे उस बंदे को जाके गले से पकड़ूं जो एक कॉल पर आ गया और आके सारा काम कर दिया उसने। वो भी क्या सोचेगा कि ये बदला दे रहे मुझे इतने बड़े फेवर का। हैदर ना होता ना तो पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही होती और मरीज मर चुका होता। तो क्या कहूँ शहजाद से, क्या हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते? तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं हम? जो कुछ हुआ आज से कई साल पहले हुआ, उस वक्त बोलना था ना, अब ख्याल आया बोलने का। और हमें क्या मालूम कि शहजाद ठीक कह रही है, ना तुम वहां थी ना मैं। ये लड़कियां खुद पहले मर्दों को शह देती हैं फिर कहती हैं हम असॉल्ट हो गई। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है और शहजाद तो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। जैसी भी है मैं इस गंध में नहीं पड़ना चाहता और मैं तुम्हें भी कहूंगा कि तुम भी पीछे हट जाओ प्लीज। ऐसे कामों में सिवाय जलालत के कुछ नहीं मिलता और हमसे जितनी हेल्प हो सकती थी वो हमने की। और ये हमारा इशू है भी नहीं, उनके चक्करों में हम क्यों ख्वार हों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? पता नहीं, शहजाद से अपना रिलेशन देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ खड़े रहना चाहिए। फिर अब हैदर ने इतनी बड़ी फेवर कर दी है, ख्याल आता है कि शायद चुप ही रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहता हूं तुम भी चुप करके बैठ जाओ और शहजाद को भी समझाओ कि वो भी चुप करके बैठ जाए। जितना बोलेगी उतना ही ख्वार होगी, हैदर का तो कुछ नहीं जाएगा, ये शहजाद कहीं की नहीं रहेगी। सुना नहीं था मैडम अव्वल खान से क्या कह रही थी? पुलिस को पता चल गया ना तो हिलमत खतरे में आ जाए। पुलिस केस बन गया तो हाजी और हिकमत का जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरी मदद कर दो थानेदार साहब, मुझे सिटी अस्पताल जाना है, वहां मेरा दोस्त कटा पड़ा है, जालिमों ने मेरे दोस्त को काट के रख दिया।
क्या नाम है तुम्हारा? शादी कार्ड क्या तुम्हारा? किसने काटा उसे? मैं नहीं बताऊंगा, वरना वो बाप बेटा मुझे भी काट देंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तेरा तो बाप ही बताएगा। पकड़ इसे, शक्ल से मुश्किल कर रहे मुझे, चल थाने तू। काश तू मुझ पे हाथ उठाने से पहले ये सोच लेती कि इसकी जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है। पुलिस केस बनवा दूंगा। ऐदर ना होता ना तो पुलिस अभी तक तफ्तीश कर रही होती और मरीज मर चुका होता। भाई थोड़ा जल्दी करें ना। सिग्नल बंद है बाबूजी। सर सबजली नाम के साथ ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक पक्का केस है सर। क्या बताया है इसने? सर जख्मी को लस पीरान से लाया गया है। बाप और बेटे ने अपने बड़े बेटे को मारने की कोशिश की मगर बर वक्त अस्पताल पहुंच जाने से बच गया है सर। अभी भी सिटी हॉस्पिटल में मौजूद है, ये उसे मिलने आया था सर। ये वो डॉक्टर हैदर वाला सिटी हॉस्पिटल? जी सर, डॉक्टर हैदर का यही काम है सर, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। इन पठानों के साथ भी यही करेगा सर, एक लंबा चौड़ा सा बिल बना देगा। ये बेचारे पुलिस केस न बनने की खुशी में अपना घर बेचकर भी बिल अदा करेंगे। कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है सर। तो कैसे रोका जाए इस खिलाफ वर्जी को? जैसे सबको रोका जाता है सर, कानून अपना रास्ता लेगा और मुलजमान को आहनी हाथों से निपटा जाएगा सर। जरा डॉक्टर हैदर को भी आंखें दिखाओ। ओके सर। मैंने तुम्हारे आदमी को ठीक किया लेकिन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अच्छाई का बदला बुराई से दिया। एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था ना। ये मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं, नेचर का है। ना ही नेचर के कानून से बचा जा सकता है और ना ही मुल्क के कानून से। मैडम कहाँ रह गई थी तुम? हेलमन तो बच जाएगा, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? जिंदगी और मौत के मसले में मुझे अकेला डालकर तुम कहाँ गायब हो गया था बहन? कल रात से मेरे पास नसवार भी खत्म है। ऊपर से मैं इस पागल को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब तुम इस खर दिमाग को संभालो, मैं अपने लिए नसवार ढूंढता। तुमने मुझे डरा दिया था अवल खान, समझी थी कि ठीक है जाओ जल्दी वापस आना। ठीक है ठीक है। कैसी तबीयत है इसकी, कोई इम्प्रूवमेंट है? इनकी तबीयत तो ठीक हो रही है लेकिन मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप ठीक हैं? सर वी आर इन ट्रबल, जल्दी आएं, पुलिस आ गई है। क्यों? सर वो हिलमन को ढूंढ रहे हैं, 714 का पूछ रहे हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम, रूम नंबर 714। जी क्या चाहिए आप? लस पेरान का हिलमन, सुना है कि उसके बाप हाजी मरजान से लाखों रुपए लिए हैं गैर कानूनी ऑपरेशन के लिए। हमें सब मालूम हो गया है, मरीज का पता भी हमारे पास है और उसके घर का बंदा भी, उसने सारी बातें बता दी हैं। आपने पुलिस केस का ऑपरेशन करके कानून को हाथ में लिया है।
देर कर दी आपने। पेशेंट के घर वाले सुबह ही उसे घर वापस ले गए। हाँ, मैंने ऑपरेशन किया है, लाखों रुपए भी लिए। कर लो जो करना है। अब जो हशर मैं तुम्हारा करूंगा ना, दुनिया देखेगी। डॉक्टर से बदमाशी करने का मजा चखाऊंगा। क्या हुआ सर? पेशेंट कहाँ? सर सुबह तो यही था रूम में। तो अब कहाँ है? So